हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद फिर से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपनी इस रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में अपन शुरू करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट का यानी रसायन विज्ञान फर्स्ट का लेसन नंबर दो। चैप्टर नंबर दो है जिसका नाम है विलयन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलयन, ये अपन आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं यानी इसका परिचय करते हैं, विलयन होता क्या है। ठीक, इसका दूसरा नाम है विलयन को मिश्रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते से मिश्रण। तो सबसे पहले देखते हैं विलयन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बोलते हैं विलयन। दो या दो से अधिक यानी दो घटक हो सकते हैं या दो से अधिक भी होते हैं, उनके जो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। यहां पर एक शब्द आया समांगी। कौन सा है? समांगी। समांगी का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान। यानी विलयन के प्रत्येक जगह उसका रासायनिक संघटन कैसा रहेगा? समान रहेगा, उस विलयन को बोलते हैं समांगी विलयन। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। ठीक है, तो ये विलयन होता है, यह एकल प्रावस्था। एकल प्रावस्था तंत्र होता है विलयन। क्या होता है? एकल प्रावस्था तंत्र होता है। यानी विलयन में एक ही प्रावस्था पाई जाती है, इसलिए इसे एकल प्रावस्था तंत्र कहते हैं। ठीक है, जले पर बोलते हैं विलय प्लस विलय बराबर विलयन। विलय प्लस विलय इजिकल टू क्या बनता है? विलयन। यानी इस विलयन में कितने एक तो विलय होता है, एक विलायक होता है, दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलयन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलायक होता है यानी विलयन में जो कम मात्रा में होता है, विलयन में जो कम मात्रा में पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है? विलय। और जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है वह क्या कहलाता है? विलय। ठीक, यानी विलय प्लस विलय इक्वल टू विलयन। विलय और विलय से मिलकर क्या बनता है? विलयन। अब बात आती है विलय क्या होता है। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वह कहलाता है विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है वो कहलाता है विलायक। ठीक, या हम कह सकते हैं विलयन में जो पदार्थ घुलता है वह कहलाता है विलय, और जिस में घोला जाता है वह क्या कहलाता है? विलायक। यानी जिस पदार्थ को हम घोलेंगे वो क्या कहलाएगा? विलय। और जिस में घोलेंगे वो क्या कहलाएगा? विलायक। जैसे मान लीजिए अपने बीकर के अंदर पानी लेंगे, ठीक, और इसके अंदर डाल दी चीनी। तो घुलने वाला पदार्थ कौन है? चीनी। किस में घोला गया? पानी में। ये पानी में क्या कहलाएगा? ये अधिक मात्रा में क्या कहलाएगा? विलायक। और चीनी क्या कहलाएगी? ये कम मात्रा में क्या कहलाएगी? विलय। यानी जिसको घोला जाता है वो कहलाता है विलय, और जिस में घोला जाता है वो कहलाता है विलायक। ठीक है, तो ये तो इसका अपना थी परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। या समांगी शब्द कहते हैं कि विलयन के प्रत्येक भाग में सभी जो उसका संघटन कैसा रहेगा? समान। ठीक है, ये कैसा तंत्र है? एकल प्रावस्था तंत्र। यानी विलयन में एक ही प्रावस्था पाई जाती है। विलय प्लस विलय इक्वल टू विलयन। यानी विलय और विलय से मिलकर क्या बनता है? विलयन। विलय क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है जो घुलता है, विलय जो अधिक मात्रा में होता है जिसमें घुला जाता है वह कहलाता है विलय। ठीक, यदि विलयन में दो अवयव है, विलयन में दो अवयव है तो उसे कहेंगे द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं? द्विअंगी
विलयन है, ठीक है। और यदि विलयन में तीन अवयव है, तीन घटक है, तो उसे कहेंगे त्रिअंगी। क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन। यानी विलयन में दो अवयव यानी दो घटक है उसे कहेंगे द्विअंगी विलयन, और यदि उसमें तीन घटक यानी तीन अवयव तो उसे कहेंगे त्रिअंगी। इसी प्रकार से चार अवयव चार घटक उसे कहेंगे चतुष्अंगी विलयन, ठीक। ये थी अपन इसकी परिभाषा, यानी जिसको बोला जाएगा वो कहलाएगा विलय, जिसमें बोला जाए वो कहलाएगा विलय, ठीक है। दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलयन, ठीक। अब आगे इसका बात करते हैं विलयन की प्रकार, विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार की बात करें टाइप ऑफ सॉल्यूशन या विलयन के प्रकार, तो विलयन की भौतिक अवस्था क्या था? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है वो होता है तीन प्रकार। नंबर एक गैस विलयन, नंबर दो द्रव विलयन, और नंबर तीन ठोस विलयन। विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार हो गए, तीन प्रकार के गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। बात करते हैं अपन गैस विलयन, यानी जिसमें एक गैस को दूसरी गैस में डाला जाए यानी मिलाया जाए, इस प्रकार विलयन क्या बनेगा? गैस विलयन, ठीक है। नंबर दो द्रव विलयन, जब किसी द्रव में, जब किसी द्रव में किसी गैस को, द्रव को या ठोस को घोला जाता है, मिलाया जाता है, तो उसे कहेंगे द्रव विलयन। नंबर तीन ठोस विलयन, जब किसी ठोस में किसी गैस को, किसी द्रव को या किसी ठोस को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है उसे कहेंगे ठोस विलयन, ठीक। यानी गैस विलयन में विलायक क्या रहेगा? गैस रहेगा। द्रव विलयन में विलायक क्या रहेगा? द्रव रहेगा। और ठोस विलयन में विलायक क्या रहेगा? ठोस रहेगा, ठीक है। अब इन तीन प्रकार के आधार पर पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस। तो विलायक गैस में हो सकता है, गैस में विलायक गैस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है और ठोस में हो सकता है। तो टोटल बात करें इसकी, ठोस द्रव और गैस विलयन तो विलयन के प्रकार के आधार पर होती है, तो बात करें इसकी तो टोटल विलयन होता है नौ प्रकार। तो कौन कौन सा होता है तो अपने एक टेबल बनाते हैं, इसका डिटेल अपन देखते हैं, ठीक है। तो टेबल में देखते हैं, इधर तो अपन लेते हैं विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार, ठीक है। यहां ले लेते हैं विलायक, एक ले लेते हैं अपन विलय, ठीक। एक कॉलम बना लीजिए उदाहरण के, तो पहला अपना विलयन कौन सा था? गैस विलयन। कौन सा था? गैस विलयन। तो गैस विलयन में विलायक तो क्या रहेगा? गैस, गैस और गैस। अब इसमें विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। नंबर दो है द्रव विलयन, तो द्रव विलयन विलायक तो क्या रहेगा? द्रव, द्रव और विलय गैस भी हो सकता है,
द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, ठीक है। नंबर तीसरा अपना ठोस भी है, कौन सा है? ठोस भी है। तो ठोस भी है मिला के क्या रहेगा अपना? ठोस, ठोस, ठोस और विलयन। गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो टोटल विलयन के टाइप के कितने होंगे? तीन, गैस, द्रव और ठोस। उस विलयन गैस में गैस हो सकता है, विलयन गैस हो सकती है, द्रव हो सकती है। गैस क्या होगा? गैस गैस भी है, गैस द्रव भी है, गैस ठोस भी है। इस प्रकार विलयन के लिए अपने द्रव क्या हो जाएगा? द्रव गैस भी है, द्रव द्रव भी है, द्रव ठोस भी है। इसी प्रकार विलयन अपने क्या ले लिया? ठोस ले लिया। तो विलयन का मतलब ठोस गैस, ठोस द्रव, ठोस ठोस। इस प्रकार अगर हम देखें तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर टोटल विलयन कितने प्रकार का हो सकता है? अपना नौ प्रकार, ठीक है। जैसे अपन बात करें गैस गैस विलयन के उदाहरण की, तो जैसे N2O नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो अपने क्या कहलाता है? गैस विलयन। ये दो गैसों का मिश्रण की बात करें गैस विलयन। इस प्रकार गैस द्रव अधिक मात्रा में क्या रहेगा? गैस। कम मात्रा में क्या रहेगा? द्रव। यानी जल वाष्प है जो क्या कहलाएगा? गैस। इस प्रकार अपन बात करें गैस ठोस की, यानी जिसमें अधिक मात्रा में क्या हो? गैस हो, कम मात्रा में क्या हो? ठोस हो। तो इस प्रकार के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण का जो हो जाएगा ठोसों का ऊर्ध्वपातन है, ठोस पदार्थों का ऊर्ध्वपातन है वो किसका हो जाएगा? इस प्रकार ये हो जाएंगे अपने एग्जाम्पल। ये था अपना जनरली विलयन। विलयन किसे कहते हैं? विलय क्या होता है? विलय के क्या होता है? विलयन के प्रकार कितने होते हैं और वे प्रकार के उसके उदाहरण कितने होते हैं, ठीक है। तो आज का अपने चैप्टर इसका जनरल इंट्रोडक्शन इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो।